गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बटरी स्वीट कॉर्न बनाएंगे डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम स्वीट कॉर्न लिए हैं हमने। कॉर्न हम बॉयल कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रोजन कॉर्न है तो आप हाफ कप वाटर डाल के उसको बॉयल कर लेंगे और वाटर बिल्कुल ड्राई कर लेंगे उसमें से। हमें स्वीट कॉर्न बॉयल करने हैं 5 से 7 मिनट्स और उसके बाद हम इन्हें ड्रेन कर लेंगे किसी भी सीव में। स्वीट कॉर्न बॉयल करते हुए हम इसको कवर कर लेंगे। तो कॉर्न हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बॉयल हो चुके हैं। अब हमें इसमें से वाटर सेपरेट कर लेना है। इसको हम छान लेंगे और ड्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम क्लासिक स्वीट कॉर्न बनाएंगे। एक बाउल में हम 1 कप के करीब कॉर्न डाल लेंगे। कॉर्न बिल्कुल गर्म होने चाहिए और अब हम इसमें बटर डालेंगे। इसमें बटर हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे। कॉर्न बिल्कुल गर्म रहेंगे तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा और बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसमें 2 पिंच हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। बटर के साथ ब्लैक पेपर और नमक को अच्छे से मिला देंगे। 1/2 टीस्पून हम लेमन इसमें ऐड कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। क्लासिक एंड चीज़ी स्वीट कॉर्न दोनों ही बच्चों के फेवरेट हैं। हमारा क्लासिक स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप बिल्कुल गर्म ही इसे सर्व करें। अब हम चीज़ी स्वीट कॉर्न रेडी करते हैं। 1 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं हमने यहाँ पे। ये बिल्कुल गर्म होने चाहिए। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। इसमें 1/2 स्पून आप बटर ऐड कर देंगे। 1 क्यूब चीज़ हम इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे। एक छोटा सा पीस हमने चीज़ का लिया है और इसे हम ग्रेट कर देंगे। कॉर्न बिल्कुल गर्म रहेंगे तो ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च कटी हुई, 1 हरी मिर्च यहाँ हमने काट के डाली है इसमें। नमक ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे हम इसमें 1 स्पून और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अगर कॉर्न बिल्कुल गर्म होंगे तभी ये अच्छे से मेल्ट होगा और चीज़ और मसाले की बहुत अच्छी कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी। तो ये हमारे चीज़ी स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी हैं। आप इसमें 1/2 स्पून लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं आप ग्रीन चिल्ली इसमें से स्किप कर सकते हैं। चीज़ी स्वीट कॉर्न सबके फेवरेट हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। चीज़ी स्वीट कॉर्न रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम चटपटे मसालेदार स्वीट कॉर्न बनाएंगे। इसके लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट चाहिए। इसमें हम लाल मिर्च और चाट मसाला ऐड करेंगे। तो 1 कप कॉर्न हमने इसमें ऐड कर लिए हैं एक बाउल में। इसमें सबसे पहले हम बटर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच बटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हम इसमें नमक 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
और चाट मसाला ऐड करेंगे हम इसमें आधा चम्मच। अब हम इसमें लाल मिर्च आधे छोटी चम्मच ऐड करेंगे। इसमें हम नींबू का रस, लाइम जूस भी ऐड कर देंगे एक चम्मच, और इसको अच्छे से मिला देंगे। सारे स्पाइसेस, बटर और लाइम जूस अच्छे से मिल जाएगा इसमें और बहुत अच्छी कोटिंग हो जाएगी कॉर्न्स के ऊपर। तो हमारे मसालेदार स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। गाइज, इट्स वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी, और स्वीट कॉर्न के बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। इट्स वेरी हेल्दी। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बेनिफिट्स भी ऐड किए हैं, तो आप घर पे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। हेल्दी स्वीट कॉर्न, विच वन इज़ योर फेवरेट, क्लासिक मसाला और चीज़ी वन? If you like my video, like, share and subscribe. I will be back soon with my new video. Thanks for watching. Bye bye. Take care.